एशिया का सबसे बड़ा स्लम यहाँ पर है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो एक मंथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने अब है वो है COVID-19 जो पूरी दुनिया में भी है, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा इसको फॉर्चुनेट कह लें या क्या कहें कि जो आपका जो जोन है उसमें अभी तक का जो डेटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अभी कम केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो आप लोगों ने सर इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए हुए हैं या क्या जो है आप लोगों की स्ट्रैटेजी है COVID-19 से फाइट करने की? जी जी, देखिए जब ये वबा फैली तो हमें अंदेशा ये था कि चूँकि वेस्ट में अब गुंजाल आबादी है और ये पुअर सेगमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, पुअर पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। और ये ऑनरेबल सीएम साहब का भी बड़ा इन्होंने खदशे का इजहार किया था टीवी पे कि अगर खुदा ना खासा कच्ची आबादी में तेज़ी से फैला तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि कुछ लोगों की सपोर्ट से, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की सपोर्ट से, कुछ हमारे स्टेप्स, तो ओवरऑल हमारा अल्लाह का शुक्र है कि स्प्रेड की स्पीड कम रही है। हाँ, बस इस वक्त तक 400 केसेस हुए हैं जिसमें 30 डेथ्स हुई हैं और 50 लोग रिकवर हो गए हैं। हमने 1500 टेस्ट सैंपल्स दिए हैं सो फार, और इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सैंपलिंग है वो 100 प्लस है, यानी हम 100 लोगों प्लस के लोगों के सैंपल्स दे रहे हैं। उसमें ये भी हुआ है कि कुछ जो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने ये ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी थी। यहाँ पे बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसेस का, यहाँ पे जो साइट इंडस्ट्री ले लिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री ले लिया, तो इनका बड़ा प्रेशर था कि इनको एग्जेम्पशंस दी जाएँ। तो वो उनको हमने इंटरटेन नहीं किया इमीडिएटली। सो चंद एक परमिशन ली और वो भी बड़े देखभाल के। तो ओवरऑल हमने एक तो सख्ती रखी कि एक तो ज़्यादा हमने यहाँ के सोशल गैदरिंग्स वो डिस्करेज की। फिर हमें जब रिपोर्ट होता था कि वायलेशन हो रही है तो हम वहाँ पे एक्शन लेते थे, हमारे एसी साहिबान, हम ख़ुद पहुँच जाते थे। और फिर मसाजिद से ऐलानात, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, ख़ास रूलिंग पार्टी के लोगों ने, और ख़ुद वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जाके लोगों को सेंसिटाइज किया। फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला आया तो वो भी हमने शाम या रात में की, तो उससे भी एक लोगों का एक तो कंसर्न अबाउट फूड सप्लाई वो भी एड्रेस हो गया, और दूसरा ये कि हमने को मजमा में नहीं लगने दिया। तो ओवरऑल हमने एक सेट ऑफ जो स्टेप्स लिए उससे हमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ से बचाया। हमने एक पीक देखी अप्रैल में केसेस हमारे ऑल ऑफ सडन 20-30 डेली हो गए, और 29 अप्रैल के बाद हम ये स्टार्टेड गोइंग डाउन। अब हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है, हम 15 हैं केसेस हमारे पर डे, एंड वी होप कि जिस तरह हम सीएम साहब की स्ट्रेटजी है कि अगर 2 हफ्ते या रमज़ान के एंड तक हम ऐसे लॉकडाउन रखें तो इंशाल्लाह ये वबा कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि और यही है लॉजिक है कि लॉकडाउन की जो हमारी सिंध गवर्नमेंट हमायत कर रही है कि उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अगर अप्रैल में हम छोड़ देते इस तरह, हम लॉकडाउन लिफ्ट करते तो बहुत नुकसान रहता है। तो कुछ हमारे यानी कि एक तरह से कह लें कि हमारे जो विजनरी लीडरशिप है सीएम साहब की, सबसे पहले तो क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और लॉकडाउन को उन्होंने लिफ्ट ना किया। दूसरा ये कि हमने मिलजुल के टीम वर्क से जो हो सका था हमने किया, तो लोगों ने भी कोऑपरेट किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी है। कही है इससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि रिजिट और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो कोविड के लिए ज़रूरी था, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सर एक और कंट्रोवर्सी हमने देखी है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमने जो है बहुत सारे परसेप्शन सुने हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर? जी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन मैं खास बात करना चाह रहा हूँ। वेस्ट में देखिए, हमें पहले 2 करोड़ पे सीएम साहब ने दिए, फिर हमें आबादी को देखते हुए 4 करोड़ और हमें मिले, तो 6 करोड़ हमें मिले। सो फॉर और इन फंड से हमने ओवरऑल 25,000 बैग्स प्रोक्योर किए। वो बैग्स से 15-20 दिन के लिए किसी 6 अफराद की फैमिली के लिए 15 से 20 दिन वो चल सकता है राशन। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ट्रांसपेरेंटली, हमने इबादत समझ के हमने वो एक ट्रांसपेरेंट काम किया।
हमने उसमें सारा सिस्टम शुरू से डिसेंट्रलाइज था। सिंध गवर्नमेंट ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी वो ये थी कि यूसी लेवल पे कमेटी नोटिफाई हुई, जिसमें यूसी चेयरमैन, नोटेबल्स, चार नोटेबल्स, एनजीओ के लोग, ज़कात कमेटी के लोग, उनको डाला। और वो यूसी कमेटीज़ ऑपरेट कर रही थी अंडर देयर रिस्पेक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर्स। तो वो चूँकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। आई कैन क्लेम एंड बिलीव के हमारा जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ट्रांसपेरेंट हुई है। 25,000 फैमिलीज़ तक हमने ये राशन पहुँचाया है, और वो हम इस तरह पहुँचाया कि रश भी नहीं होने दिया, पब्लिक गैदरिंग भी नहीं होने दी, मजमा नहीं होने दिया। लेट इवनिंग में शुरू करते थे, रात पूरी पूरी रात चलता था, और हमारे एसी साहिबान बेचारे पूरी पूरी रात जागते थे, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे। पहले हमने सोचा कि शायद 3-4 घंटे में काम डेली हो जाया करेगा, लेकिन जब व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट, डोर स्टेप पे जाके देना, तो इट वाज अ स्लो प्रोसेस। तो इस वजह से मेरा काम अच्छा हो गया। अब उसमें ये हुआ है कि कुछ लोगों को एतराज़ात थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आ रहे थे, कहते हैं वो राशन अब हमें दें, हम अपना पॉलिटिकल माइलेज लें। अब वी कुड नॉट अलाउ दैट, हम वो अलाउ नहीं कर सकते कि राशन को हमें एक सियासी टूल बना दें। तो उस चीज़ को हमने एंटरटेन नहीं किया, तो इस वजह से कुछ लोगों ने फजूल इल्ज़ाम भी लगाए, कुछ ब्लैकमेलर टाइप कुछ रिपोर्टर भी निकल आए। एक रिपोर्टर है, उसने अपने जाली उसने एक लिस्ट बनाई है और वो सर्कुलेट कर रहा है कि ये डीसी वेस्ट ने लिस्ट में नाम लिखा है, और उस खातून के पास और एक बंदे के पास पहुंच रहा है, कह रहा है कि देखें ये इसको राशन तो मिला नहीं है। तो मेरा सवाल ये है उस ब्लैकमेलर से कि देखें आपको लिस्ट दी किसने है? वो साहब फरमा रहे 282 की पर्सन लिस्ट है माड़ीपुर की, मैं हमने वहाँ पे 1000+ लोगों को राशन दिया है, हमारी ऑफिशियल लिस्ट देखें और वो देखें। इस तरह के लोग कुछ एलिमेंट्स ब्लैकमेलर वगैरह आए थे वो, लेकिन हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। और आई कैन डिफेंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेस्ट एट एनी फोरम। हमारी ये रिपोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट हो चुकी है, और एक आदमी रिसिपियंट का हमने नाम CNIC दिया है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हमने काम ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली किया है। अल्हम्दुलिल्लाह।